आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइको एनालिसिस का एक फिलोसोफर एक राइटर एक साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम है कॉल कॉलयोंग जो है उसने पहले साइको एनालिसिस में फ्राइड के साथ मिलके काम किया था लेकिन फ्राइड के कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ वो डिसएग्री था फ्राइड के अंदर डोगमेटिज्म पाया जाता था वो जो उसके कॉन्सेप्ट के साथ डिसएग्रीनेस शो करता था वो क्या करता था उसे अपने ग्रुप से अलग कर देता था इसने कॉलयंग ने जो है सैकोनालिस के अंदर रहते हुए अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे अगर आपको सैकोनालिस पे क्वेश्चन आता है तो आपने फ्राइड कॉलियंग एल्टर और कैरन हॉर्ने इन चारों को के कन्प्ट को मिक्स करके आपने सेकोनालिस का जो क्वेश्चन है उसे कम्प्लीट करना है आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलय कॉलय जो है ये ट्वेंटी सिक्स जुलाई को स्विस विलेज में पैदा हुआ था ट्वेंटी सिक्स जुलाई को उसमें जो के हमने सबसे पहले देखना है कि ये फ्राइड के साथ किन किन कॉन्सेप्ट एग्री था और किन किन पे डिसएग्री था कॉलियम जो था वो फ्राइड का एक कॉन्सेप्ट था लिबिडो लिबिडो एनर्जी। उसके साथ ये स्ट्रॉन्गली डिसएग्री था लिबिडो एनर्जी क्या है मैं आपको पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ फ्राइड कहता था कि हर इंसान के अंदर एक जो है लिबि एनर्जी या लिबिडो पाई जाती है ये लिबिडो जो है ये सेक्सुअल एनर्जी है वो कहता है कि ये एक बेसिक नीड होती है ये इंसान को लाइफ की तरफ जो है वो ड्राइव करती है आपने अगर थोड़ा सा फ्राइड का जो है ना बैकग्राउंड देख लेगा कि जो फ्राइड है वो यूरोप का रहने वाला था ऑस्ट्रिया में उसकी बर्थ थी और यूरोप के कल्चर के अंदर जो है ये सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत नॉर्मल होते हैं वो उसको एक बेसिक नीड समझते हैं फ्राइड भी उसी चीज़ पर सिर्फ फोकस करता है वो कहता है कि एक लिबिडो ही है जो कि हमारी इोज को जो है वो मजबूत करता है इरोस जो है आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि वो क्या है हमारी लाइफ की ड्राइव है जो जंग था वो इससे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करता था कहता है जरूरी नहीं है कि लिबिडो ही हमारी लाइफ को जो है वो राइट right पाथवे में लेकर चले और भी पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी के अंदर एक इनकरेजिंग मूवमेंट का जो है रोल प्ले करते हैं उसके अलावा ये सिर्फ इसके इस कांसेप्ट से जो था वो डिसएग्री करता था और इसने एक और जो इसका कॉन्सेप्ट था पास्ट एक्सपीरियंसेस आपने देखा होगा कि फ्राइड ने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया है पास्ट एक्सपीरियंसेस और अनकॉन्शियस पे वो कहता था कि सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस ही हमारे अनकॉन्शियस को नहीं बनाने लगे हुए ना कि हमारी पर्सनैलिटी को कंट्रोल सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसिस करें हमारे प्रेजेंट के एक्सपीरियंसिस भी फोकस करने लगे हुए हैं हमारा प्रेजेंट अगर अच्छा होगा तब ही जाके हम अपना जो फ्यूचर है वो अच्छा बना सकेंगे आप देखिएगा कि कार्ल युंग ने अपनी इस पूरी की पूरी जितने थेरीज़ हैं जितने कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों पे वो फोकस करने लगा हुआ है इसके अलावा जो है ये एग्री करता है फ्राइड के ड्रीम वाले कॉन्सेप्ट से और ईगो वाले कॉन्सेप्ट से इन दो कॉन्सेप्ट से ये एग्री करता है ईगो और ड्रीम वाले ठीक है आगे इसके हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं सबसे पहले जो कॉल कॉलय का ईगो का कॉन्सेप्ट है कॉल ईगो के बारे में क्या कहता है कहते हैं जो ईगो है ना वो एक मेकानिज़म है मेकानिज़म किस चीज़ का है हमारे फिज़िकल इन्वायरमेंट के साथ अट्रैक्शन का जो ईगो का मेन काम है वो क्या है ईगो इज अ मेकानिज़म बाय विच वो इंट्रैक्ट इन द फिज़िकल इन्वायरमेंट हमारे जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसिस होते हैं जो कि हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर से रिसीव करने लगे हुए हैं ये सारा काम ईगो करती है ये फ्रेड ने कहा क्या कहा था कि ये सिर्फ एक मेडिएटर को रोल प्ले करिए सुपर ईगो के दरम्या में और बाद में ये क्या कर रही है ये ईगो डिफेंस मेकनिज़म जो है उसकी तरफ ले जाती है ये इसका थोड़ा सा चेंज है ये कहता है कि ये क्या करिए सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल इन्वायरमेंट से डील करने लगी हुई है और इसका कंसर्न किस से होता है हमारी थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग से जो है चीज़ों को परसीव करने से रिमेंबर करने से इससे हमारा ईगो का लिंक है ये इसकी ईगो की जो थी वो डेफिनेशन थी आपने इसकी किस तरह याद करनी है कि ईगो किसके साथ इसके मुताबिक डील कर रही है फिजिकल इन्वायरमेंट ठीक है आगे इसका एक कॉन्सेप्ट है पर्सनल अनकॉन्शियस पर्सनल अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस क्या है वो वाला पार्ट जिसको हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते जो कि हमारा डायरेक्टली uh, असेसिबल नहीं होता पर्सनल अनकॉन्शियस पर्सनल आपको इसके नेम से ही पता चल रहा होगा पर्सनल कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी ज़ात से रिलेटेड होती हैं ये कहता है कि हमारी कुछ अपने पर्सनल इवेंट्स होते हैं हमारी जात से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मटेरियल जो कि हमारे लाइफ टाइम जो है लाइफ टाइम हैपनिंग से रिलेटेड हो वो हमारा अनकॉन्शियस का जो पार्ट बन जाता है उसको हम पर्सनल अनकॉन्शियस कहते हैं एक जो इसने न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था वो था कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कहता है कि ये मोस्ट पावरफुल कंपोनेंट है हमारी पर्सनैलिटी का मोस्ट पावरफुल कंपोनेंट किस तरह है ये हमारे पर्सनैलिटी के उन एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करता है जो कि हमारे फोर फादर से हम तक आ रहे होते हैं इस वजह से इसने जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है इसको मोस्ट पावरफुल कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी कहा था कहते हैं कि ये एवोल्यूशनरी पास्ट के थ्रू जो है हमारे अनकॉन्शियसली चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं हमारे बाओज से हमें कल्चर नॉर्म्स वगैरह जो हमारी पर्सनलिटी लिटी के अंदर हर आप देखिएगा कि हर फैमिली के अंदर क्या है कि डिफरेंट किस्म के कस्टम्स वगैरह पाए जाते हैं डिफरेंट किस्म के उनके पर्सनैलिटी के अंदर जो है करैक्टरस्टिक्स पाई जाती हैं वो करैक्टरस्टिक्स क्या हो रही होती हैं कि वो आबाओ जिदाद से चलने लगी होती हैं और वो क्या आ, किस चीज़ का पार्ट बन जाती है हमारे अनकॉन्शियस का पार्ट बन जाती हैं हम उसे कॉन्शियस एफ़र्ट में नहीं सीखते लेकिन वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद होती हैं वो वाली तमाम चीज़ें क्या है कलेक्टिव अनकॉन्शियस इसने आर्किटाइप्स का जिक्र किया था कि आर्किटाइप्स क्या हैं बोल यूँ के आर्किटाइप्स जो हैं वो पर्सनैलिटी का फ्रेमवर्क हैं आर्किटाइप्स जो हैं वो फ्रेम वर्क हैं किसका पर्सनैलिटी का जो कि किस चीज़ के अंडरस्टैंडिंग देती हैं हमारी परसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग परसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कौन सी होती है जो कि हम चीज़ें परसीव करते हैं और इमोशनल इन दो चीज़ों का फ्रेमवर्क है इसने फाइव टाइप्स के आर्किटाइप्स का जिक्र किया था एनिमा एनिमस शेडो परसोना और सेल्फ आर्किटाइप्स में जो फर्स्ट पे है वो है एनिमा एनिमा क्या है कि मेल्स के अंदर जो फीमेल टेंडेंसी पाई जाती है आपने कुछ मेल्स इस तरह देखे होंगे कि उनके अंदर फेमिनिटी का आंसर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है जैसे आप अपने शोबिस के अंदर देख लें जितने भी हमारे ये डिज़ाइनर हैं वो क्या है कि उनके अंदर फीमेल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं आप अगर इंडियन एक प्रोड्यूसर है करण करण जौहर आप देखें अगर उसके आप बातचीत का तरीका देखें या उसके जो है फ़िज़िकल एक्सप्रेशन वगैरह आप देखें तो उसके लड़कियों की तरह हैं उसको उसने क्या नाम दिया हुआ एनिमा का ठीक है और एनिमस क्या है एनिमस है फीमेल के अंदर मेल टेंडेंसी आपने अक्सर टॉम बॉय गर्ल्स देखी होंगी। टॉम बॉय गर्ल्स क्या है कि होती तो वो गर्ल्स हैं फिजिकली लेकिन उन्होंने ऑप्ट की होती हैं करेक्टरिस्टिक्स कौन सी मेल की उस चीज़ को उसने किसका नाम दिया हुआ है एनिमस का शेडो एक आर्किटाइप उसने बताई है उसके मुताबिक शेडो क्या है कि हमारी पर्सनैलिटी का जो हिडन और डार्क पार्ट है पर्सनैलिटी का हिडन और डार्क पार्ट जो कि हम हर किसी के सामने शो नहीं करते हमारा हमारा अग्रेशन हो गया इसके अलावा कुछ नेगेटिविटी होगी वो वाली हमारी पर्सनैलिटी की आ, मतलब करैक्टरिस्टिक्स जिससे हर कोई वाकिफ़ नहीं है वो क्या है शेडो है उसके बाद है परसोना सोना क्या है कि हमारा पब्लिक पार्ट पब्लिक पार्ट कौन सा जो कि हम पब्लिक के सामने शो करते हैं हम लोगों के सामने अपना जो पर्सनैलिटी का जो हिस्सा शो करते हैं वो है परसोना persona. जो पर्सनैलिटी है ना वो भी परसोना से निकला था परसोना कहते हैं रूप को और रूप कौन सा होता है जो कि हम हमारा जाहरी तौर पर नज़र आ रहा होता है उसके बाद इसने बात की है सेल्फ के बारे में ये कहते हैं कि जो सेल्फ होता है वो इंसान कि अपनी जात है अपनी ज़ात से खुद आगाही है और सेल्फ ही जो है इंसान को सिंथिसाइज करता है सिंथिसाइज किस साइड पे करता है अपने गोल बनाने में सेल्फ जो है वो इंसान को सिंथिसाइज कर रहा है सिंथिसाइज किस चीज़ के लिए कर रहा है गोल बनाने के लिए और जो गोल होते हैं वो ही हमारी फ्यूचर आ, के मतलब कुछ चीज़ अचीव करने के लिए एक स्ट्रगलिंग वाली जर्नी बनाते हैं ठीक है वो कहते हैं जब हम अपनी आ, सेल्फ को सिंथेसाइज कर लेते हैं अपने गोल सेट कर लेते तो हैं उन्हें अचीव कर लेते हैं तो वो जो हमारा सेल्फ होता है वो सेल्फ़ एक्चुलाइज सेल्फ़ uh, एक्चुलाइजेसन की तरफ जो है वो मूव कर जाता है मतलब वो सेल्फ़ एक्चुअलाइज पर्सन बन जाता है आप यहाँ एक इसने कॉल कॉलयुग ने सेल्फ एक्चुअलईजेशन का जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और आगे आप ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे इब्राहिम ने और कॉल रॉजर्ट दोनों ने सेल्फ़ एक्चुअलईजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है उसके बाद इसने जो है एटीट्यूड बताए हैं कि पर्सनैलिटी के जो है टू टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स होते हैं इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ट ये टू वर्ड्स जो हैं इन दोनों आप जो हैं फेमिलियर होंगे इंट्रोवर्ड कौन से लोग होते हैं किस टाइप की पर्सनैलिटी होती है किस टाइप के एटीट्यूड के मालिक होते हैं लोग ये क्वाइट होते हैं इमेजिनेटिव होते हैं ये लोग जो हैं इंट्रोवर्ड इसके अलावा ये अपने आइडियाज़ में इंटरेस्टेड होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं ये अपने आइडियाज़ में और ये लेस सोशलेबल होते हैं ये दूसरों के साथ मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते ये जो इंट्रोवर्ट लोग हैं और जो एक्सट्रोवर्ट लोग हैं ये जो हैं बहुत ज़्यादा सोशलेबल होते हैं टॉक्टिव होते हैं और आउट गोइंग ये पर्सन होते हैं ये सोसाइटी के साथ इंट्रैक्शन में ज़्यादा जो है अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं सोशलेबल पर्सन होते हैं उसके बाद जो है इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यूंग यूँ ने जो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट है कैजुअलिटी का युंग के मुताबिक कि हर एक इंसान ये जो है फ्राइड के पास्ट एक्सपीरियंसेस वाले जो इसका कॉन्सेप्ट है उससे इसने कैजुअलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था ये बिलीव करता है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर उसके कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो लीड करते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेजेंट में सर्वाइव करने के लिए और उसका प्रेजेंट के अंदर जो वो गोल सेट करता है वो उसको लीड करते हैं फ्यूचर की तरफ ठीक है कैजुअलिटी क्या है उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है आगे उसका जो सेकंड उसका कॉन्सेप्ट है टेलियोलॉजी टियालॉजी पे उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया है टेलॉजी क्या है पर्पज़ हमारी लाइफ का पर्पज़ पर्पज़ ऑफ लाइफ पज़ ऑफ लाइफ कहते हैं कि विदाउट पर्पस ऑफ लाइफ जो है एक इंसान की जिंदगी बेकार है हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है और वो पर्पस ही उसे पुल करता है फ्यूचर की तरफ अगर इंसान की लाइफ में कोई पर्पस ना हो तो उसकी लाइफ की ड्राइव जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए उसके बाद इसने सेंक्री का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था सेंक्री क्या है कहते हैं कि जो टू इवेंट्स उनका मीनिंगफुली जो है टू इवेंट्स का कोइंसिडेंटली अक्कर होना टू इवेंट्स का मीनिंगफुली अक्कर होना लेकिन उन दोनों की काज जो है वो अलग अलग होगी फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है उसने जो है एग्ज़ाम्स दिए हैं एग्ज़ाम्स के साथ साथ उसने कुछ नॉमी बॉन्ड जो है ना वो खरीद के रखे हुए हैं अब क्या हुआ है कि जिस टाइम उसका रिज़ल्ट आया है रिज़ल्ट उसका बहुत शानदार है उसने टॉप किया है और उसी मंथ जो है क्या वह कि उसका नामी बॉन्ड भी निकल पड़ा है अब टू इंसिडेंट जो है वो इकट्ठे हुए हैं उसकी लाइफ के अंदर लेकिन दोनों के जो कॉज थी वो अलग अलग, अलग थी उसकी लर्निंग की वजह से उसका रिजल्ट अच्छा आया और जो नामी पॉन्ड उसका निकला है वो उसकी लक की वजह से उसका निकला है उसने वो खरीद के रखा हुआ था ठीक है टू इन, आ, इवेंट्स का मीनिंगफुली अक्रंस होना लेकिन उसकी कॉज जो है वो अलग अलग होना ये है सिंक्रियोसिटी उसके बाद ड्रीम इसने जो है ड्रीम uh, फ्राइड uh, की तरह ड्रीम को इम्पोर्टेंस दिया है इसका कहना था कि जो ड्रीम है ना फ्राइड ने तो कह दिया ना कि ड्रीम जी अनकॉन्शियस का रॉयल रोड है लेकिन इसने कहा है कि जो ड्रीम है वो हमें एक एक्सप्रेशन देता है एक्सप्रेशन किस चीज़ का देता है साइकी का इंसान की जो साइकी है उस uh, का जो मीनिंगफुल एक्सप्रेशन है ना वो हमें ड्रीम देता है ठीक है इसके बाद वो uh, बात करता है मिडल एज का बर्थ ऑर्डर का आपने नाम तो सुना ही होंगे कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर है जो बर्थ ऑर्डर थे वो कॉलियम ने इंट्रोड्यूस करवाए थे इसने सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो मिडल एज पे किया था क्योंकि जो कॉलियम था वो खुद भी मिडिल चाइल्ड था सेकेंड बॉन था यह कहता था कि फर्स्ट चाइल्ड जो होता है ना वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है वो डिसिप्लिन होता है ऑर्गेनाइज होता है उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है जो पहला बच्चा होता है जो दूसरा बच्चा है ना वो बड़ा सेंसिटिव होता है रिस्पॉन्सिबल होता है चीज़ों को बड़ा जो है क्लिनली ऑब्ज़र्व करता है सेकेंड बॉन्ड की उसने बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स बताई थी वो बड़ा कम्पटेटिव होता है और हर चीज़ को जो है पॉजिटिव एंगल से देखता है थर्ड चाइल्ड को उसने कहा था कि ये पेम्पर्ड चाइल्ड होता है ये क्लिंगिंग चाइल्ड होता है और ये बच्चा जो है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है अपने माँ बाप ही अपने बहन भाइयों पर एक इसने स्पॉइल्ड चाइल्ड की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी बिगड़ा हुआ जिसे बच्चा हम कहते हैं स्पॉइल्ड चाइल्ड वो जिसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार में बिगाड़ दिया जाता है ठीक है ये थी कॉल्यूम की थेरी उसके कॉन्सेप्ट सो आपको समझ आ गई होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें आपको आंसर किया जाएगा और जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेलाइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें